2011-12 में जब देश में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठी, लेकिन आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर करीब 45 करोड़ रुपयों के रेनोवेशन बजट, जिसमें बड़ा हिस्सा सुपीरियर क्वालिटी से साज सज्जा पर है, जिसके सबूत इस वक्त मेरे हाथ में। देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद PWD विभाग ने ये सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। दिल्ली के लाल साहब LG उनके घर की मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उनका उड़न खटोला खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते। देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में। उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो, तो उस घर को ठीक ठाक करने मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, और ये भारत के प्रधानमंत्री इनके काफिले में जो कार चलती है, कार है 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं कई कारें 12 करोड़।